हैप्पी थैंक्सगिविंग जी गाइस, अनफॉर्चुनेटली हम घर नहीं जा सके थैंक्सगिविंग मनाने के लिए फैमिली के साथ, तो हम हैं इस वक्त सिनसिनाटी ओहायो में। तो हमने सोचा जी कि अपनी थैंक्सगिविंग हम अकेले दोनों यहाँ पे मनाएंगे और आपको दिखाएंगे सिनसिनाटी ओहायो डाउनटाउन। जी हमारे ऊपर वाले आ गए भाई, रात को लेट नाइट यहाँ पे पहुँचे थे सिनसिनाटी ओहायो में। अभी हम फ्रेश भी नहीं हुए और ऑलमोस्ट 40 आवर्स की ड्राइव के बाद, जी 40 घंटे के सफ़र के बाद अब यहाँ पे पहुँचे थे जी। और अभी हम उठे, मुँह हाथ भी नहीं धोया, सीधा ही जाएंगे होटल में, क्योंकि रात को हमें होटल अवेलेबिलिटी में नहीं था। नहीं थे जी, कोई भी होटल अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। तो जी हमने कहा चलेंगे, रात को कुछ घंटे हम ट्रक में सोए और अभी हम सीधा जा रहे हैं होटल। मिलते हैं जी आपको। Okay, that's our hotel, Hilton Hotel. Beautiful, G. Hey, Sarah ji, इतनी सीढ़ियाँ चल के जाना पड़ना जी। जी रूम मिल गया जी, शी गेव मी द बेस्ट सिटी व्यू। लेट्स सी अब ये कैसा दिखता है। सर इसके एंट्रेंस एम्बियंस कितना खूबसूरत है यार, हिल्टन तो फिर हिल्टन ही है जी, जहाँ भी जाएं। तो जी ये देखिए जी, ब्यूटीफुल एलिवेटर की तो सर एलिवेटर। हाँ जी सायरा जी, 29.40 यहाँ पे आपके रहते 4 दिन तो बधा आना था। अच्छा अच्छा, ये है रिवर व्यू, ब्यूटीफुल। रात को जब बहुत खूबसूरत लगता है, जब ये जगमग करेगा ना रात को मजा आ जाएगा। ओके जी, लो जी थके बहुत हुए जी, फ्रेश होके मिलते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स जी, मैं हूँ सायरा और एक दफा फिर हाजिर हूँ एक वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ।
आपके साथ हाजिर हूँ। तो जी आप देख सकते हैं कि मैं इतनी तैयार शेयर की हुई हूँ, इसकी भी एक रीज़न है जो कि मैं आपको बताऊंगी। और अभी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी इसी टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, मिस्टर एंड मिसेस जॉन के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और घंटी का बटन प्रेस करना ना भूले। तो जी फ्रेंड्स, हम लोग होटल में आ चुके हैं। मैं आपको आपके अपने होटल का व्यू आपको दे दूं कि ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत है। 2-3 घंटे के सोने के बाद फ्रेश होके रेडी होकर और हम लोग कामन जॉन जी हम रेडी हैं जी आज थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने के लिए जी। ऑल्दो कि वी आर अवे फ्रॉम आवर फैमिली, हम अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं क्योंकि थैंक्सगिविंग डे है ही फैमिली डे। तो मगर हम क्योंकि काम की वजह से हम अपनी फैमिली हम लोग एरिजोना में थे और 40 आवर्स की ड्राइव थी। ड्राइव करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे। कंपनी ने हमें बोला था कि बाय फ्लाइट चले जाएं आप लोग, लेकिन घर काफ़ी दूर है और हम लोग नहीं जा सके। तो अभी मैं और कामरन हम दोनों यहाँ पे बेचारे अभी हम सिनसिनाटी ओहायो में हैं जी। तो हमने कहा जहाँ पे भी हम हैं हम थैंक्सगिविंग ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। सर अमेरिका में थैंक्सगिविंग क्यों मनाया जाता है ये बताएं लोगों को जी। थैंक्सगिविंग नेशनल हॉलीडे है, पूरा अमेरिका इसको सेलिब्रेट करता है। और एक्चुअली मेरा मानना ये है कि दैट्स अ वेरी ब्लेस्ड डे, क्योंकि जब हम लोग पूरी फैमिली एक टेबल पर बैठते हैं, डिनर करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि जितने दिन हमने गुजारे और पूरे साल में जो हमने सक्सेस हासिल की और जो काम हमने किए, और उसके लिए जो है वो पूरी फैमिली टेबल पर इकट्ठी होती है, डिनर करते हैं और सब कुछ अमेरिका में बंद होता है जी। जी चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, शुक्रगुजारी, खुदा की शुक्रगुजारी करना बहुत ही अच्छी बात है। तो अमेरिका में एक स्पेशल दिन, एक दिन नेशनल हॉलीडे इसलिए मनाया जाता है कि सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि जी खुदावंत का शुक्र है कि हमें ये ज़िंदगी दी है, ये चीज़ें दी हैं। जो भी सक्सेस हम अपनी लाइफ में उसको अचीव करते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं और इसको स्पेशल थैंक्सगिविंग डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और हर फैमिली जो है वो अपने टेबल पर टर्की और उसकी जो भी लवाजमात हैं और एक एक डिनर अरेंज किया जाता है। और आप जहाँ पे भी लोग होते हैं वो सारे होते हैं, माँ बाप लगा रहते हैं, बच्चे कहीं और रहते हैं, इस दिन पे सब इकट्ठे होकर एक जगह पर एक टेबल पे बैठ के डिनर करते हैं और इस दिन को मनाते हैं और खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसा मर्जी वक्त आपने गुजारा है लेकिन आपको शुक्रगुजारी जो है वो करते रहना चाहिए और खुदा का थैंक्सफुल होना चाहिए कि उसने हमें जिंदगी से तंदुरुस्ती और सब कुछ दिया है, ठीक है, और अच्छी फैमिलीज दी हैं। अपने अपनी फैमिलीज में बैठते हैं, जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें हर लिहाज से जो है वो शुक्रगुजारी करना चाहिए। तो जी अमेरिका में ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम आज आपको, क्योंकि हम लोग इस टाइम होटल में हैं, हम लोगों ने ट्रक में थोड़ा बहुत सो लिया था, फिर होटल बुक किया, होटल में आपके थोड़ा बहुत हमने नैप लिया है, सोए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। तो आप हमारे साथ हैं, आपको बताते हैं अमेरिका में कैसे लोग जो है वो थैंक्सगिविंग डे मनाते हैं। तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे क्लोज हैं मगर जिस होटल में हम ठहरे हैं वहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तो जी हम नीचे जा रहे हैं जी, अपने रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कर ली है। तो नीचे जाके देखते हैं जी खाने में क्या क्या है, भूख बहुत लग गई है जी। स्टे ट्यून्ड विद अस और अभी इसी वक्त जाकर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके जी चले रेडी हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ तो जी कमेंट करके जरूर बताएं और चलते हैं डिनर के लिए। लेट्स गो विद अस। चलिए आज मन सक भूख लगी है तो जाके देखते हैं अब क्या क्या है खाने में। देखिए जी व्यू जी सिनसिनाटी ओहायो का। कामरन हम वहां उस ब्रिज से ट्रक लेके गुजरते हैं। हाँ जी
जी सायरा टेबल मिल गया जी आपको। देख सकते हैं आप, इस टाइम हम लोग हैं फार्म कोर्ट रेस्टोरेंट जो कि हिल्टन के अंदर है। बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, काम में ऑर्डर करें। आप देखो ना मेन्यू क्या ऑर्डर करना है। सारा कितना खूबसूरत है यार, ये ब्यूटीफुल। ऑब्वियसली इसका खाना भी अच्छा ही होगा जी, उम्मीद करते हैं। देखते हैं कि क्या ऑर्डर करते हैं और क्या मिलता है, उसके बाद बता सकते हैं। सो हम लोग अपने रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, तो तब आई थिंक वी ऑर्डर थैंक्सगिविंग स्पेशल। जी हम थैंक्सगिविंग है तो थैंक्सगिविंग स्पेशल लास्ट भी लेंगे ये वाला। और साथ स्टेक कर लेते हैं, क्या क्या आना है? ये वाली स्टेक करते हैं जी, ब्यूटीफुल बोन इन ब्लैक एंगल स्टेक रिब आई। ये है जी हमारा फूड, टर्की डिनर और सायरा की रिब आई स्टेक। थैंक यू। Thank you. You're welcome. Wow, this is Sarah. Enjoy. Thank you. मुझे बड़े इंतजार के बाद है। भूख बहुत लगी है जी। जी कैसी है सारा बताएं जरा। Awesome. ये जी हमारा टर्की स्पेशल, थैंक्सगिविंग स्पेशल। मिलते हैं जी खाने के बाद। जितनी भूख लगी थी मज़ा आ गया। मज़ा सारा जी, आपने तो पूरी स्टेक ख़त्म कर दी जी। ओहो चलो जी, चलें जी, चलें जी। रेडी? हाय जी, खाना खाने के बाद ठंड लग रही है बहुत। ये जी सिनसिनाटी ओहायो डाउनटाउन, ये हमारा होटल। सर चलो जी, सुबह 4 बजे लोड उठाना है। ब्यूटीफुल। लो जी ठंड बहुत है जी, हम ज़्यादा बाहर घूम नहीं सकते, सो लेट्स गो बैक टू आवर रूम। ओह जी सर्दी भी बहुत है, खाना खाया मज़ा आ गया, अब आ रही नींद। बहुत मज़े का खाना था, बहुत इंजॉय किया हमने अपना थैंक्सगिविंग डे। अच्छा था कि हमें ऑफ मिल गया, हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, एक अच्छा सा डिनर किया। फैमिली को तो हमने मिस किया ही किया, लेकिन ये है कि लाइक थैंक्सगिविंग डे भी सेलिब्रेट किया हमने साथ। सो उम्मीद करते हैं जी गाइस आपको ये पसंद आया होगा जी, हाउ वी सेलिब्रेटेड थैंक्सगिविंग डे। आप अमेरिका में हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ जी जी, तो जी अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में, वहाँ पे थोड़ा सा सोएंगे और सुबह 4 बजे की हमारी पिकअप है जी। तो अभी हमारे पास 5-6 घंटे हैं, थोड़ा सा नैप लेंगे और फिर अपने ट्रक में दोबारा अपने काम पे चढ़ जाएंगे जी। सो टिल देन गाइस, सी यू टुमारो।